तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, होटल्स मुख्य रूप से आरामदायक और शायद शानदार आवास प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध स्थान है। लेकिन क्या होगा अगर आप जैसे ही किसी होटल में कदम रखते हैं, आपके बालों, खिड़कियां और दरवाजे से एक हल्की हवा चलती है और अजीब आवाज़ें और गंध विशाल कमरे में भर जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत की टॉप 5 हॉन्टेड होटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पांचवें नंबर पर आती है होटल राज किरण, जो मुंबई में स्थित है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लोनावाला के विचित्र शहर में इस होटल को असाधारण गतिविधियां पर कई विशेषज्ञों द्वारा भारत में एक प्रतिपादित होटल के रूप में पुष्टि की गई है। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के पीछे कोने में एक कमरा के भूतिया होने का दावा किया जाता है। मेहमानों ने बताया है कि जब वे सो रहे थे तब चादरें हटा दी गई थी, दूसरे ने अपने पैरों पर नीली रोशनी चमकते हुए देखा था। इस तरह की घटनाओं की बढ़ती खबरों के साथ इस होटल ने विशेष कमरे को किराए पर देना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे चौथे नंबर पर आती है होटल फर्न हिल, जो ऊटी में स्थित है। बॉलीवुड हॉरर थ्रिलर राज की शूटिंग के दौरान यह होटल प्रसिद्धि के लिए शूट किया गया था। डरावनी कहानियों को सच माना गया और होटल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कहानी यह है कि कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी टीम एक रात पहली मंजिल पर फर्नीचर की पुनर्व्यवस्था का शोर सुनकर जाग गई। उन्होंने रिसेप्शन के संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेखा मर चुकी थी। अगली सुबह उनके आतंक के लिए रिसेप्शनिस्ट से बताया कि होटल में कोई पहली मंजिल नहीं थी। यह होटल ऊटी में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है होटल ताजमहल पैलेस, जो मुंबई में स्थित है। एक दिलचस्प इतिहास है इसके पीछे का। जमशेदजी टाटा को एक बार अंग्रेजों ने वाटसन होटल में प्रवेश करने से मना कर दिया था। भेदभाव से क्रोधित होकर उन्होंने W चैम्बर्स द्वारा होटल का प्लान बनाया। हालांकि अब चैम्बर्स अपनी इंग्लैंड यात्रा से लौटे तो उन्होंने पाया कि होटल उनकी स्थापत्य योजना के विपरीत दिशा में बनाया गया था। निराश वास्तुकार ने होटल की पांचवीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। चैम्बर्स के ओल्ड विंग में चढ़ने की अफवाहें तब से लोकप्रिय है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर आती है होटल सेवई, जो मसूरी में स्थित है। अफवाह यह है कि लेडी गार्नेट आर्म का भूत मसूरी के सेवा होटल में रहता है। कहानी उसकी दवा की बोतल में स्ट्राइकिन डालकर होटल में उसकी हत्या की बात करती है। वर्षों बाद उसकी देखभाल कर रहे डॉक्टर को भी इसी तरह मृत पाया गया था। इस कहानी की चर्चा दूर दूर तक फैली और यहां तक भी अगाथा क्रिस्टी क्लासिक द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स तक भी पहुँच गई। इसे भारत के सबसे हॉन्टेड होटलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आता है होटल ब्रुजराज भवन, जो कोटा राजस्थान में स्थित है। 19वीं शताब्दी में बना एक महल 1980 में एक विरासत होटल में परिवर्तित कर दिया गया था। इसे मेजर बर्टन के मित्र भूत का घर कहा जाता है। एक अंग्रेजी अधिकारी जिसे 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों द्वारा मार दिया गया था। भूत महल के गलियारों में चलने और कभी कभी ड्यूटी पर सोने वाले गार्ड को थप्पड़ मारने की अफवाह है। यह बाहर से जितना सुंदर दिखता है उतना ही इसे राजस्थान की सबसे प्रतिपादित जगहों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।